नहीं, मैं सल्यूट नहीं मार रहा, मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है। सिद्धू साहब, मैंने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा? नहीं मतलब उस तरीके से नहीं, एक्चुअली क्या है, देश में पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, पुलिस कम पड़ रही है, तो हमने अपना थाना खोला है, 4-5 घंटे ड्यूटी करेंगे आराम से, थोड़ा डिक्टेटर टाइप रहना है हमने। पहले ये बता, नाम तेरा शमशेर है कि नहीं? नाम मेरा कप्पू, मैं शमशेर की एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है फिर। सैलरी मैं डेली लूंगा। जनता से ले ही लेनी है हमने, पीछे एटीएम में हमारा कांस्टेबल खड़ा है, जैसे किसी ने पैसे निकलवाए हमने सैलरी ले लेनी है। ये ठीक है। आप सोच रहे होंगे मेरी आवाज कैसे भारी होगी, शुक्र कर आवाज ही भारी हुई है। मैं तो कहता हूँ सिद्धू साहब मेरा पाम भारी हो जाए, 6-6 हजार मिल रहा है। खैर, थाना हमने खोल लिया है, शांतिवन का अपना पुलिस थाना है, भर्ती शुरू करते हैं। सावधान, क्राइम पेट्रोल। वो एपिसोड में कल आएगा कि एक आदमी गंदी गालियां सुन के मर गया। शट अप। देखो मेरे बात सुनो, ये जो पुलिस का काम होता है ये बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है, इसके अंदर जान भी जा सकती है। ओहो, जान तो जा रही, जान बात तो सुनो। हेलो जान, जान इधर, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी सी एफआईआर लिखी, सुनती तो जाओ। अपने नहीं तो कम से कम इस कॉस्ट्यूम को इज्जत दे दो। मेरी बात सुनो, 250-250 भाड़े पे लाए, शाम को 500-500 नहीं कमाया ना तो लानत है ऐसे हुसन पर। चलो फटाफट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इधर लोमड़ी जैसे बाल रखने वाले भाई साहब, इधर बड़े बड़े, ये बाल कटवा के आओ आप अपने। मेरे बाल दिख रहे हैं? उसके बाल नहीं दिख रहे इतने लंबे लंबे। इसके तो खेलने के लिए हैं। अच्छा, और मेरे बाल, मेरे बाल तुम्हारे भी खेलने वाले, चूहे तो छोड़ो अंदर उसके अंदर, बदतमीज। और तुम इधर आओ, तुम्हारा क्या कटवाए यार। तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपना मुंह कटवा के आओ, जाओ फटाफट। ये जो गुल्लक जैसा मुंह है ना सारा। कमिश्नर से तमीज से बात करो। अच्छा कमिश्नर, चलो इसी बात पे स्पेलिंग हो जाए। बोल बोल जल्दी बोल यार। हद है, मैं इधर मैं एज ए डिक्शनरी पढ़ती हुआ हूँ, जो हर चीज का स्पेलिंग पूछते रहते हो आप। ये अच्छा है, डिक्शनरी की स्पेलिंग ही सुना दो। ओ गैंडी, तो मैं इधर चाय वाला हूँ, मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ जो सबको स्पेलिंग सुनाता फिर हूँ। देखो मेरी बात सुनो, डोनाल्ड डक जैसा तुम्हारा मुंह, और तुम बातें डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हो। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ मेरे को तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद आई। देखो देखो, जिस जिस की जो जो काबिलियत है उसी हिसाब से रैंक होगा। चंदू डॉक्टर, बम्पर नानी, तुम सारे अनफिट हो, तुम लोग कॉन्स्टेबल, और खूबसूरती के हिसाब से मैं इंस्पेक्टर। अच्छा, खूबसूरती के हिसाब से तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। नहीं बताना आपने कुछ। नहीं नहीं, आपने इसकी बात नहीं सुनी, आप अपना पूछो। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी तो कमियां मेरे को पता है ना, बहुत ज्यादा है, फिर सबके सामने मजाक उड़ाएगा, लोग हंसेंगे। बस कर बुढ़ाऊ बस कर, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया ही होगा तेरे पास, अमिताभ बच्चन तो होंगे भी नहीं। मैंने ना तुझे सीनियर थप्पड़ मारना है, समझा बुढ़ाऊ। मैं क्या कहती हूँ, पर्चियां डालते हैं, जिस पर्ची में जो निकलेगा हम वो बन जाएंगे। चलो ठीक है, फटाफट चलो। ए चंदू, तेरी पर्ची मेरे पास आ गई, देख नेवला लिखा है। और तेरी मेरे पास आ गई, लिखा कुछ नहीं, भालू बनाया हुआ किसी ने। अच्छा नानी की पर्ची मेरे पास आ गई। अच्छा लिखा पुट्टी के बाल। तेरी पर्ची मेरे पास आ गई, क्या लिखा है, गंदी गंदी गालियां लिखी है। मेरा पर्ची किधर गया? तेरा पर्ची इधर आ गया। ओ, क्या लिखा है? कुछ नहीं, ऐसे लिखा है कप्पू, फिर लिखा है लॉटरी, और बीच में लिखा हुआ वेड्स। तुम दोनों आपस में शादी करा रहे हो, मेरे को बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? बड़ी बेटी यहाँ पर कुंवारी बैठी है, और आप छोटी बेटी के कन्यादान की बातें कर रहे हैं। ये मेरी कुलीग है, तू मेरी किधर से बेटी होगी बे? मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। गोद? तुझे गोद? तुझे तो गोदाम लगेगा। गोद कहाँ से ले सकता है तुझे कोई? साइलेंस साइलेंस, लॉटरी की बारी। अब मैं पर्ची निकालूं? मैं तो कहता हूँ मेरा दिल निकाल लो। चंदन कांस्टेबल, ओके। नानी लेडी कांस्टेबल, ओके। बम्पर लेडी कांस्टेबल, ओके। लॉटरी सीनियर कांस्टेबल। मेरा क्या हुआ? मेरा रिजल्ट बता।
कप्पू हेड कांस्टेबल और डॉक्टर इंस्पेक्टर. साहब मैं इंस्पेक्टर बन गया. कमाल है यार, बधाई हो. आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनको अरेस्ट कर लेता. मेरे को ना उन्होंने साइकिल ही नहीं लेके दिया, लारा लगाए रखा. मैं लेके दूंगा लेके दूंगा. मैंने डंडा दिखा देना था पिताजी को. एज इंस्पेक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं. नानी जी जनाब. एंड यू बम्पर दोनों जाओ. थाना शुरू हुआ है, कोई कस्टमर ढूंढो. पोनी का टाइम है, जाओ केस सॉल्व करेंगे. जाओ जी जनाब. ओके हमें क्या करना है सर, बताइए. सुनिए हवलदार चंदो. जी जनाब. दो कप चाय लेकर रहा हूँ मलाई मार के. ये फिर चाय वाला काम दे दिया आपने. कपो जेल को देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम, सफाई करो इसके. इंस्पेक्टर साहब. यस. मैं चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लॉटरी मेरे साथ लीड करे. व्हाई? गिव मी अ रीजन. बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन है. घट्टा अंदर गया, मिट्टी अंदर गई, जान भी जा सकती है. और दूसरा, हमारे देश की लड़कियों को मौका मिलना चाहिए और लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा. वुमेन एंपावरमेंट. ये तुम देश की लड़कियों को मौका दे रहे हो कि खुद मौका ले रहे हो? चलो चलो बाहर बाहर चलो. ये इसके फिर से निकल जाओ, उधर तो जाने दो. चलो पूरी सफाई भी नहीं होने दी, बदतमीज. इंस्पेक्टर मैं हूँ, सफाई मैं करूंगा. ओहो चाबी खो गई. पर तुम बंद हो, हम तुम नहीं है. What is this? मैं तेरे को तनख्वाह इस बात की देता हूँ तू मेरे को बंद कर दे. ये कैसा थिन क्रस्ट आदमी ले आई तुम. बंपर एक काम करो. हाँ? इसको अपने मुंह से थोड़ी सी हवा डोनेट करो. चलो. नहीं नहीं हवा नहीं, इसको ब्लड देना पड़ेगा. अरे आपको पता नहीं है बहुत खतरनाक आदमी है ये. थाना उड़ाने की बात कर रहा था. क्या बात कर रहे हो तू? थाना तू किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता, तू थाना उड़ाएगा. एक बात बताओ मुझे, खाना वगैरह कैसे खाते हैं, प्रोसेस वगैरह पता है तुम्हें? ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं. हैं? हाँ. इसको परेशान कर रहे तुम? इस पे रिसर्च करो, ये चल फिर कैसे रहा है? तुम लोग परेशान कर रहे हो उसको. माय लॉर्ड. ओए माय लॉर्ड के बच्चे, तुझे लॉयर नहीं, तुझे पुलिस वाला बनाया. पुलिस वाला? अच्छा, मुझे जो मर्जी बनवा दो, मंगवानी तो आपने चाय होती है ना. इंस्पेक्टर मैं. आवाज नीचे. यार तुमने इंस्पेक्टर बनाया तो मेरे को थोड़ा सा रॉब तो जमा लेने दो यार. ठीक है चलो. एज इंस्पेक्टर आई वांट कि तुम मेरे थोड़ा सा लूट लूट मारो मेरे को थोड़ा सा. अनपढ़ो. रुको. स्टॉप इट. स्टॉप इट. अनपढ़ो क्या तुम? अकल नहीं है क्या? सलूट ऐसे मारते हैं पता भी नहीं. सलूट इधर ऐसे अपने मुंह पे मारते हैं. अच्छा। उसके सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमको पता भी नहीं चला. मैंने साफ देखा है इनकी नहीं आपकी बेइज्जती हुई है. हाँ चुप कर रहे. मैंने बड़ी बेइज्जती हुई है कहता है. देखो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप लोग और परेशान क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? 25 ग्राम डेली की ऑक्सीजन वेस्ट करने वाले प्राणी. इधर तेरी शक्ल ही मुजरिम जैसी. कबूल कर कि तू मुजरिम है. कबूल कर. अरे कबूल कर मुजरिम है तू. कबूल कर नहीं तो मैं इसका घुटना मरवा दूंगा. अरे कबूल है 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 कबूल है. मुझे भी कबूल है. हैं? सुना आपने तीन बार कबूले 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 कहा, यानी कि हमारा निकाह हो गया है. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह मुझे अपना शौहर मिल जाएगा. कानून डांस नहीं करेगा. आप मेरे शौहर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका शौहर? हाँ. अरे मेरी सेहत जैसी भी हो लेकिन इस बात पर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा. हेलो, ईंट से ईंट बजाना. बम्पर को कुछ कहा ना, मैं सीमेंट वाले थप्पड़ मारूंगा तेरे. सर सर मेरे पिताजी गुम हो गए हैं, मैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया था. देखो एक काम करते हैं,
जब तक हमारे ठाने की बोनी नहीं होती इस आदमी को रख लो इधर, इधर जेल में पड़ा रहेगा, थोड़ा भरा भरा लगेगा, लोगों को लगे सीरियस ठाना है। चलो इधर। अरे एक मिनट, एक मिनट, क्या अंदर रख रहे हो? मुजरिम है, पहले इसकी तलाशी तो लो। तलाशी लो चंदू, फटाफट तलाशी ले, तलाशी ले। 5,090 रुपए के आदमी, तुम्हारे पास 5,000 रुपए कहाँ से आ गए? इस 40 रुपए के आदमी से कहो मुझसे ठीक से बात करे। एटीएम से निकलते 4,500, तेरी जेब से 5,000, तू देश के एटीएम से बड़ा है? हैं? पुलिस, 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 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पुलिस, मुझे पापी चाहिए। मैं दूंगा। ऐसी बातें ना कर, मारना तुम्हें हमें। एक्सक्यूज मी, देखिए, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। क्यों, आप अनपढ़ हैं, खुद नहीं लिख सकती? एक्सक्यूज मी, वॉटरमेलन जैसी औरत, जितनी खराब आपकी शक्ल है ना, उससे ज्यादा खराब मेरा दिमाग हो रहा है। देखिए, मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ, प्लीज। लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है वो उसकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस लिखती है, तो रजिस्टर पड़ा, चलो इधर आ जाओ फटाफट। चलिए, लेडीज पुलिस को लिखना पड़ेगा। जी जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? बताइए क्या प्रॉब्लम है? डंडे मार मार के कर देंगे जो भी करना होगा। ये क्या है, ये तो आप नकली औरत बने हैं। तो तू असली है क्या? तू भी तो नकली है। एक मिनट, हाय, माई सेल्फ इंस्पेक्टर, एंड रिपोर्ट मैं लिखूंगा। देखिए, 3 स्टार मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और 5 स्टार इधर लगे हुए हैं। देखिए, मेरे पास स्टार कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास सोनी है। आजकल यही चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है, मैंने बातों में आप लोग बहस कर रहे थे, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख भी दी कि इसने दारू पी के आपको छेड़ा है। अरे मैंने नहीं छेड़ा है भाई, इतनी खूबसूरत लड़की क्या कमी है उसमें, डाले इसको अंदर जेल में। हवलदार लोगों, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, मैं मैडम की रिपोर्ट लिखता हूँ। कैन आई हैव योर रिपोर्ट प्लीज? यस प्लीज, टेल मी व्हाट हैपेंड। सर मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मेरे होते हुए इंस्पेक्टर साहब कैसे रिपोर्ट लिख सकते हैं? आपका काम मैं कर दूंगा, आइए मैं आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। एक मिनट, इंस्पेक्टर कौन है आप? हाँ तो मैं भूल गया था दवाई खाना ना, आज तो मेरे को याद नहीं आता जब तक मैं दवाई नहीं। मैं इंस्पेक्टर हूँ। हवलदार कौन है? चाय लेके आओ, रिपोर्ट मैं लिखूंगा, आइए रिपोर्ट मैं लिखता हूँ। अबू शर्मा, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? गिलास धो के लाना, मीठा लग से लाना। जा रहा हूँ फिर मैं। डॉक्टर गुलाटी, रिपोर्ट जो है वो कांस्टेबल लिखता है, इंस्पेक्टर नहीं। मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। मैं इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा मैं लूंगी। अरे अगर ठीक ठीक लगा तो दो एक मैं भी ले लूंगी। बेवकूफ औरत, इस्तीफा मतलब त्याग पत्र। ए त्याग पत्र के स्पेलिंग? त्याग पत्र के शब्द होते हैं, स्पेलिंग थोड़ी होते हैं इसके। चलो देखो, मैं काम छोड़ रहा हूँ। हेलो, सोच लो, ये यूपी नहीं है कि यहाँ से एक बार निकल गए तो पार्टी में दोबारा ऐसे एंट्री हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो उसके बाद मैं 1,000-1,200 से कम में नहीं मानता। थाने का बंटवारा होगा, मेरा थाना इस तरफ, आपका थाना इस तरफ, वो लेडीज मुजरिम भी मेरी तरफ, चलो नानी मेरी तरफ। बंपर, तुम मेरी? हाँ, मैं आपकी हुई। आज तक मैं अपने बाप की नहीं हुई, लेकिन मैं आपकी हुई। सुनो लॉटरी, थाने का विभाजन हो गया है, तुम मेरा साथ दोगी? नहीं, मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गदर नहीं कर सकती हूँ। गर्दन नहीं, गदारी कह ले माँ मेरी। मैं डॉक्टर के साथ हूँ, मैं उनकी गदारी नहीं कर सकती हूँ। सैलरी डबल दूंगा मैं। इंस्पेक्टर कपूर। हेलो, हिंदी बोलते हुए तो अटक गया, बेईमानी तूने फ्लो में किया। डॉटरी, तुम आज से मेरे थाने में हो, ये लो तुम्हारा ऑफिशियल लव लेटर। लव लेटर नहीं, जॉइनिंग लेटर होते हैं। देखो इधर आओ, मेरी बात सुनो, जैसा तुम्हें भगवान ने बनाया ना, जितना खूबसूरत बनाया उस तरीके का बिहेव किया करो, नहीं तो अगले एपिसोड में दाढ़ी लगा के सिद्धू जी की दादी बना दूंगा मैं तुम्हें। चंदू। हाँ जी। इधर आओ। डरा ही देते हो, इधर आओ। नानी, लॉटरी मेरी तरफ है। हाँ जी। तुम्हें अगर ज्वाइन करना है तो
तो 3 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई करो, नहीं तो तुम्हें 5000 साल तक के लिए वैकेंसी नहीं मिलेगी। 3 सेकंड तो हो गए, आ जाओ फिर। ठीक है भाई। वैसे भी ओरिजिनल लड़कियां इधर है, मैं उधर खा खा नहीं है। अब हो गया, मेरा था ना बड़ा, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ओह नो। चंदू इधर आओ, आज इनकी तलाशी लो। एक मिनट रुको, चेक करो क्या क्या बरामद होता है इनसे। मेरी बात सुनो, मैं घिर चुका हूँ ठीक है, पर तलाशी क्यों है यार? हाथ ऊपर करो। I am ticklish. रुको, हिलना नहीं। सर जी, इनसे एक बेल्ट बरामद हुई है। अरे बेल्ट तो सबके पास होती है यार, मेरे से क्या बरामद हुई है? लेकिन आपके बेल्ट के नीचे पेंट भी है, और बिलो द बेल्ट चीजें इस शो में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप लोग मेरे कुत्ते को ढूंढेंगे या फिर मैं कमिश्नर से बात करूं? एक तो लड़कियों को बात करने में पता नहीं क्या मिलता है, हर बार बात ही करती रहती, और नहीं तो कमिश्नर से टाइम पास कर लेती है। मेरी रिपोर्ट लिखी है, वरना मैं एसपी साहब से बात करूं? नहीं नहीं, पहले मेरी रिपोर्ट लिखी है। एक मिनट, एक काम करते ना, चित्र बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है चलो, आ जाओ। देखिए हाँ हाँ, तो आप जरा हुलिया बताइए, हुलिया बताइए। मेरा पापी जो था ना, उसकी लाल नाक थी। लंबे कद के, लंबे कद के। अच्छा और नाक हमेशा बहती रहती है। बोलो बोलो। और आंखें बाहर निकली। बोलो बोलो। और बहुत लंबे लंबे बाल। बोलो बोलो। और फरी बाल। बोलो। और पता नहीं कुछ करते रहते हैं। बोलो। बहुत मारते हैं। बोलो। ये लीजिए, हो गया हो गया हो गया। आपने जैसा बताया है, ये रहा चित्र। बड़ा कुत्ता आदमी था। खबरदार जो मेरे कुत्ते को आदमी से कंपेयर किया तो। कुत्ते वफादार होते हैं। बिल्कुल बकायदा। वाह बहुत बहुत अच्छी बात बोली। तुम्हें किस बनती है? किस कलर का था वो? ब्राउन। कुत्ते की शादी हो गई थी जी? नहीं जी, वो तो पप्पी था ना, उसकी शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, उसका कोई पैन कार्ड वगैरह हो, आधार कार्ड टाइप? कुत्ते का पैन कार्ड कैसे होगा? मतलब कुत्ते को देश के कानून पे विश्वास ही नहीं है, तभी कुत्ता पैदा हुआ, नहीं तो बिल्ली भी हो सकता था। देश का कानून, बड़े देश के कानून के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैं आपको समझाती हूँ कानून। आपको पता है मैं कौन हूँ? कौन? खूबसूरत। मैं कमिश्नर साहब की बेटी हूँ। ये क्या है? मेरा आई कार्ड। अच्छा देख लो भी, लड़की है खूबसूरत, ये डाइटिंग करती है, फिर दिमाग चलता नहीं, किसी ने दे दिया ले भी आई, फिर कमिश्नर का आई कार्ड होगा, बेटी का आई कार्ड कौन सा होता है? ये चलो, तो तुमने कह दिया है तो हम तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर भागे। एक मेरे ख्याल से भागते हैं, पर तुम ना भागना, तुम खत्म हो जाओगे। चलो भाई, 1 2 3 भाग जाओ। अरे भाई मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं? अरे मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.